माय चैनल नीरज स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे गुणनखंड ज्ञात करें। अगर आप बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए आप, ठीक है। तो गुणनखंड ज्ञात करना है नहीं, यही ना कुछ है मेरा, बहुत ही ईजी तरीका से आपको बताने वाले आपको फर्स्ट वाले से लास्ट में 12, फर्स्ट में एक्स स्क्वायर है मेरा। फर्स्ट से लास्ट में गुना करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर लास्ट में नहीं, फर्स्ट ही का नहीं है, देख लीजिए, गुना 12 लास्ट गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरा। 12 एक्स स्क्वायर आया। अब एक्स स्क्वायर को मत देखिए, फिलहाल मत देखिए, देखना है नहीं, देखिए 12 आया, 12 को हमको लघुत्तम ले लेना है, दूचक 12 द्वितीय इच्छा 3 से कट जाएगा मेरा 1 कट गया। इसको हमको दो भाग में बांटना है जिससे कि 7 पूर जाए मेरा। दो भाग में बांटने के लिए क्या करे सोचिए मत, डायरेक्ट हमारे 2 × 2 = 4 +3 कीजिए कितना आया 7, 4 × 3 कीजिए 12 आ जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है जोड़ने पर बीच का संख्या आ जाना चाहिए, गुना करने पर लास्ट का संख्या, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर ये जो ऊपर में उसको तो उतार ही लीजिए आप, पहले इसको दो भाग में बांटे थे ना 12 को, लिखिए प्लस का चिन्ह प्लस दीजिए, पहले बड़ा अंक लिखिएगा बेटर रहेगा उससे, पहले 4x लिखिए, 4x +3x +12। आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए, x +4 4x में से कॉमन लीजिएगा x, तो x हट कर 4 बच जाएगा, ये प्लस का चिन्ह प्लस दे दीजिए, 3 कॉमन ले लें, देख लीजिए आप लोग ले लेते हैं 3 कॉमन लेने के बाद मेरा x बच जाता है। और इससे इसमें गुना कीजिए 3 × 3 = 6 3 × 3 = 9 3 × 6 = 12 4 मरतबा में आता है। मेरा कहने का मतलब सेंस है, देखिए बाकी जी 3 × 12 आया, कट गया मेरा ये 4 आया, यहाँ पर 4 दे दीजिए 4। इसके बाद x +4 ये उतार लीजिए, ई और ई x +3 मेरा आंसर हो गया। एक और बात, अगर आपको लगे कि ये गलत हम बनाए हैं, उसके लिए बेसिक सा ट्रिक हम बता देते हैं, उसको कैसे आप पहचानिएगा कि गलत है या नहीं। इसको देखिए x + 4 x + 4 अगर ये और ये समान रहे तो आप समझ जाइएगा कि ये बिल्कुल सही है, सही। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, तो देखिए क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, ए स्क्वायर +12 ए +35। बोरिंग मत होइए, वीडियो को वॉच कीजिए, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, ए स्क्वायर से 35 में गुना कीजिए, ए स्क्वायर गुने 35 ए स्क्वायर हो जाएगा 35 को भाग कीजिए मतलब लघुत्तम कीजिए 35 को, 35 से 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा बिल्कुल कटेगा, 5 × 7 = 35 ये कटेगा, 7 × 1 यहाँ पर नहीं भी देते तो भी मेरा काम चल जाता। ए स्क्वायर प्लस का चिन्ह देखिए प्लस 7 × 5 = 12 आया। दो भाग में बांटना है 35 को हमको,
सेवन एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस 35। इसमें कॉमन है मेरा x, यानी कि एक a कॉमन है, ये कॉमन ले लिए हम, बच गया मेरा a। सॉरी, यहाँ पे a होता है, x की जगह पे ये होता है, a कॉमन लिए, a प्लस 7 बच गया, प्लस हो गया। यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस का चिन्ह प्लस दे देते हैं, 5 से बाकी कीजिए 35 में, 7 मरतान में कट जाएगा, करके दिखा देते हैं आपको, 5 भागा 35, 5 होते 35 कट गया 7, 5 से यानी कि 7 हो जाएगा मेरा। यहाँ पे ये दोनों सेम है, बिल्कुल सही है ये, ए प्लस 5 ए प्लस 7।